स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना था और शौक भी पूरा करना था और घर में अलाउ भी नहीं था कि इतना पैरेट्स वगैरह रख सकें या इतना पैसे इस बर्ड्स में लगा सकें। जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सेटअप बनाएं, आपके पास में हर म्यूटेशन हो, आपको जो पसंद है वो बर्ड आप रख सकते हैं। दोस्तों विकास जी ने काफी अच्छी बात कही है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए एक शौक का जिंदा रहना काफी जरूरी है। दोस्तों आप देखें कि जो हैंड टेम बर्ड्स होते हैं वो बाहर निकलने की ज्यादा सोचते हैं, बाहर ओपन में रहने की ज्यादा सोचते हैं और ये जो जगह है ये मुझे लगता है इनको काफी ज्यादा पसंद है। मैं मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छा हूँ। हमारे पक्षी प्रेमी भाई विकास जी के साथ में जयपुर में है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि विकास जी जयपुर के एक फ्लैट में रहते हुए और गवर्नमेंट जॉब करते हुए अपने बर्ड को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छी तरीके से ये अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज होती है और काफी भाइयों के एक्सक्यूज रहते हैं कि यार हम तो वहां रहते हैं, हमारे घर पे जगह नहीं है बर्ड्स रखने की, कहाँ रखे। शौक तो काफी है, घर वाले भी परमिशन देते हैं लेकिन जगह नहीं है। एक बालकनी को बर्ड सेटअप बना के किस तरह से शौक पूरा किया जाता है, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास जी से। नमस्ते विकास भैया, लगभग कितना टाइम हो गया आपको बर्ड रखते हुए? ऑलमोस्ट 3 से 4 साल। 3 से 4 साल हो गए, लगभग 2 साल यहाँ रहते हुए हुए और 2 साल बीकानेर। हाँ, पहले तो शुरुआत आपने बजीज से की थी। से और दोस्तों जब इन्होंने बजीज से शुरुआत की थी उस समय इनका कॉन्टेक्ट मुझसे हुआ था, उस समय एज ए सब्सक्राइबर इन्होंने मुझे कॉल किया था। स्टार्टिंग में ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना था और शौक भी पूरा करना था और घर में अलाउ भी नहीं था कि इतना पैरेट्स वगैरह रख सकें या इतना पैसे इस बर्ड्स में लगा सकें। पैरेट के हिसाब से बजीज जो है वो सबसे चीप एंड बेस्ट शुरुआत है शौक पूरा करने के लिए। तो बजीज से शुरुआत की है, फिर बजीज के बाद धीरे धीरे कॉकटेल पर, कॉकटेल के बाद कनी और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कर सकते हैं, विकास भी ऐसे पूछते हैं वैसे ये क्या जॉब करते हैं आप सभी को ये बताएंगे और इनको कितना टाइम मिलता है और कितने टाइम को ये किस तरह से जो है वो बर्ड को देते हैं, कितना टाइम बर्ड को देते हैं, क्या करते हो वैसे आप सभी? मैं SBI में हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ। मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होता है, बस दाना पानी देना है और शाम को ऑफिस आने के बाद आधा घंटा टाइम देते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना। आधा घंटा वो डिपेंड करता है टाइम पर, कई बार लेट हो जाते हैं तो वो भी नहीं दे पाते हैं। और ऑलमोस्ट संडे टू संडे या कभी सैटरडे को ऑफ रहा तो सैटरडे को ज़्यादा टाइम दे दिए और साफ सफाई, जो पेपर चेंज वगैरह करना, वो मैक्सिमम 1 घंटा, उससे ज़्यादा टाइम कभी देना नहीं पड़ा। तो आप कम समय में भी अपने बर्ड के इस शौक को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि विकास जी ने बताया। दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया किस तरह से ये बर्ड रख रहे हैं, कैसे शौक को पूरा कर रहे हैं, जिस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं बालकनी की तरफ और हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी व्यूअर्स को, फैमिली के सभी सदस्यों को बताएं कि किस तरह से आप शौक को पूरा कर रहे हैं और कहाँ आपने कैसे सेटअप बना रखा है और जो नए बर्ड आए हैं वो भी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों एंट्री है, ग्लास लगे हुए हैं, ये बर्ड को आसानी से देख भी सकते हैं जो हैंड टेम बर्ड है जो खुले। तो आप एक बार बाहर का व्यू देखें, फ्लैट ही फ्लैट है और उसके बीच है हमारा विकास जी के बर्ड का एक छोटा सा और काफी खूबसूरत सा सेटअप। दोस्तों यहाँ का जो लुक है वो सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया और एक बालकनी को इन्होंने, आधी बालकनी को बर्ड का सेटअप बना रखा है। आप देखें कि इस तरफ इन्होंने 3 पिंजरे लगा रखे हैं, साइड में हरियाली का विशेष ध्यान रखना होता है प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट से सेटअप की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। नीचे आप देखें इन्होंने ग्रीन मेट लगा रखी है, ग्रेस की ग्रीन मेट, जो कि दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लगती है बर्ड के सेटअप में, अगर आप अच्छी सफाई रख सकते हैं तो। दोस्तों आपने देखा कि बाहर काफ़ी सारे पक्षी हैं तो इन्होंने ये वाली जो है वो नेट यहाँ पे लगाई है कि हमारा जो टेम बर्ड है वो उड़ के बाहर ना जा सके और बाहर के बर्ड यहाँ ना आ सके। वैसे विकास जी आप मुझे ये बताएं कि सर्दियों के समय आप अपने बर्ड की केयर किस तरह से करते हैं, क्या कुछ? सर्दियों के टाइम पर इस तरह का मैट या बेडशीट वगैरह इस तरह का कवर कर देते हैं। शाम के टाइम पे इस पर कालीन जो होता है वो कालीन 6 बजे के बाद इसको कवर कर देते हैं। और चूंकि ये इधर साइड सन वगैरह ठंड के टाइम पर होती है तो गर्मी ऑटोमेटिक रहता है दिन के टाइम पर, शाम में 6 बजे के बाद ऑफ कर देते हैं, लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं।
यानी कि दोस्तों ये जो जगह है ये बर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से इन्होंने कोकटेल बर्ड की खास तौर पर ब्रीडिंग दी है। इनकी ब्रीडिंग अब तक के मेरे रिकॉर्ड में सबसे अच्छी ब्रीडिंग रही है। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में मैंने दिखाया कि आप बालकनी में भी अपने बर्ड को अच्छे से रख सकते हैं और एक ऐसी जगह यानी फ्लैट में भी आप अपने बर्ड के शौक को छोटे रूप में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा सेटअप बनाएं, आपके पास में हर म्यूटेशन हो, आपको जो पसंद है वो बर्ड आप रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए एक शौक को जरूर जिंदा रखना चाहिए। वो शौक चाहे वो शौक स्केचिंग पेंटिंग का हो या पेट रखने का हो, डॉग रखने का हो, बर्ड रखने का हो, खाना बनाने का हो, किसी भी चीज का हो, तो इंसान को जिंदा रहने के लिए एक शौक को जिंदा रखना जरूरी है, जिसमें आप वो समय व्यतीत करें जिसमें आपको खुशी मिले। दोस्तों विकास जी ने काफी अच्छी बात कही है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए एक शौक का जिंदा रहना काफी जरूरी है। चाहे मैं आप सभी को दिखाता हूँ जयपुर आते हुए हमारे विकास भाई के लिए लाए गए हमारे द्वारा कुछ बर्ड्स, ये आप देखें, ये है पाइनएप्पल कन्यूर विथ डीएनए सेमी एडल्ट और हैंड टेम, काफी अच्छे हैंड टेम है दोस्तों, ये आप सभी को दिखाएंगे भी। और ये आप देखें कि मेरे अंगुली के पास आ रहे हैं दोस्तों, ये थोड़े से प्यासे हैं क्योंकि कल रात को मैं जब वहाँ से रवाना हुआ था तो मैंने इनको अलग किया था, सीड मैंने इसके अंदर रख दिया था और उसके बाद जो है वो अब इसको अगले दिन सुबह इनको पानी देंगे क्योंकि रात को बर्ड वैसे भी सो जाते हैं और सुबह लगभग बर्ड जो है सुबह जल्दी उठ के 6-7 बजे पानी पीते हैं और अभी थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है लेकिन कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों कि इनको बर्ड देने के बाद में इनकी खुशी देखें क्योंकि दोस्तों जो पाइनएप्पल कन्यूर है ये काफी टाइम से लाने के लिए सोच रहे थे। दोस्तों हमने आप देखे कि न्यूज़पेपर लगा के उसके ऊपर दोस्तों हमने कॉटन का हल्का कपड़ा लगाया ताकि हवा भी पास होती रहे। दोस्तों आप देखे कि इसके पैर में जो है वो रिंग लगी हुई है, कट रिंग है और रिंग का नंबर है APS 093।